इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सूरज की रोशनी अब भारत की धरती पर नहीं आएगी। पिछले दो दिनों से भारत की धरती पर अंधकार छा गया है। आपका और हमारा दुर्भाग्य है कि हम मोदी के देश भारत में रहते हैं। अब हमारे पास अंधकार में रहने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। अभी के ब्रेकिंग न्यूज को देखकर आप क्या कहेंगे, आपके मन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी? या तो आप ये सोचेंगे कि कैसे दिन आ गए हैं, या फिर आप मोदी सरकार को दोष देंगे, या फिर आप सच्चाई का पता लगाएंगे कि क्या वाकई सूरज की रोशनी आपके घर में पहुंच रही है या नहीं। दोस्तों, आज न्यूज चैनलों ने एक ऐसी ही न्यूज दिखाकर पूरे देश को बताया कि किस प्रकार से पूरे देश में अंधकार फैल चुका है। एक एक न्यूज चैनल मदारी के इस खेल में कैसे शामिल हो गए, ये मैं आपको बताऊंगा। और मदारी के इस खेल में उन्हें साथ मिला श्रीमान राहुल गांधी का। हर दिन ट्वीट के जरिए अपनी राजनीति चलाने वाले राहुल गांधी ने आज सुबह 8:34 पर एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। बिना सोचे समझे राहुल गांधी ने जो लिखा, न्यूज चैनलों ने सच मानकर डमरू बजाना शुरू कर दिया। किसी ने इस बात की पड़ताल नहीं की या नहीं दिखाया कि कल यानी 1 जुलाई को देश में 42,64,123 लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि 1 जुलाई तक भारत में अब तक 34,76,232 वैक्सीन लग चुकी है, जो अमेरिका और यूरोप के देश भी नहीं कर पाए हैं। अब आप न्यूज चैनलों का हाल देखिए। सबसे पहले बात देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक की। अभी जो वीडियो लिंक स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आज तक का लिंक है। ये वीडियो 2:25 का है। इसमें एंकर ने पूरा मजा लेते हुए राहुल गांधी के ट्वीट को खबर बनाया। राहुल के वैक्सीनेशन के सवाल उठाने पर ही ये पूरा वीडियो, जरा ये क्लिप देखिए। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए, ट्वीट करके कहा कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। ऐसा हो नहीं सकता कि आज तक को पता नहीं हो कि 1 जुलाई तक भारत में कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन उसने ये नहीं दिखाया, बल्कि राहुल की बात को आगे बढ़ाने के लिए उसके रिपोर्टर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास टिकटैक करने पहुंच गए। रिपोर्टर ने 2 सवाल पूछे। अब जरा इनके सवाल भी सुन लीजिए। सर, राहुल गांधी का सवाल उठाना वैक्सीन को लेकर के कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके। राहुल गांधी इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि वैक्सीन को लेकर के सरकार सही व्यवस्था नहीं कर रही। इससे क्या लगता है कि एक तरीके का भ्रम फैल। देखा आपने, एंकर को भी पता है, रिपोर्टर को भी पता है, लेकिन दोनों फेक न्यूज फैलाने में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। दोनों इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी इस क्लिप में कोई सच नहीं बता रहा है। अब एबीपी न्यूज पर आइए। मैंने एबीपी न्यूज के जिस वीडियो को उठाया है उसका लिंक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो 1:38 का है। राहुल के ट्वीट को सनसनीखेज बनाते हुए एबीपी ने 2 ग्राफिक्स दिखाए। उसने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट को भी जवाब के तौर पर दिखा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एबीपी न्यूज ने देश को सच क्यों नहीं बताया कि देश में कितने करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये फेक न्यूज बनाने का एक विलक्षण तरीका है। जरा वीडियो देखिए। इसमें वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई है। आप समझ गए होंगे कि न्यूज चैनल उस कंफ्यूज्ड इंसान की तरह है जिसे कहा जाए कि काला कौआ तुम्हारा कान काट कर ले गया है। लेकिन न्यूज चैनल अपना कान देखने के बजाय रोने चिल्लाने लगते हैं कि मेरा कान तो काला कौआ काट कर ले गया है। अब इंडिया टुडे की ये क्लिप देख लीजिए। 1:10 के इस वीडियो में न्यूज चैनल ने भी झूठ को प्लेटफॉर्म देने का काम किया और सच को जगह नहीं दी। आज के चैनलों की यही त्रासदी है। हैरानी की बात यह है कि इस खबर के बाद चैनल में सीधे वैक्सीन स्कैम की खबर चलाई गई। जरा ये क्लिप देखिए।
Now there's a full-blown political war in Bengal over this fake vaccine scam. हमने बाकी चैनलों के वीडियो को भी ढूंढने की कोशिश की। कई बड़े चैनलों की वेबसाइट में बड़ी बड़ी खबर भी टंगी हुई दिखाई पड़ी। अब जैसे न्यूज 18 इंडिया की इस वेबसाइट को देखिए, इस खबर को देखिए, इसने हेडर दिया है, राहुल गांधी ने कहा जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, केंद्रीय मंत्रियों ने किया पलटवार। अब इस पूरी खबर को पढ़ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर अपनी खबर बेची है। इसे सच से कोई मतलब नहीं है। अपनी गर्दन बचाने के लिए चैनल ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और पीयूष गोयल के ट्वीट को भी दिखा दिया, लेकिन इतनी बड़ी खबर में कहीं कोई अपडेट नहीं दिया कि देश में कितने करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब एनडीटीवी की बात करते हैं। एनडीटीवी ने इस खबर को अलग ही एंगल से चलाने की कोशिश की। उसने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट के आधार पर राहुल गांधी के ट्वीट को खबर बनाया और इसका हेडर पढ़िए, इसने क्या लिखा है, समस्या क्या है, पढ़ते नहीं क्या, वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री का करारा पलटवार। अब इसे पढ़कर लग सकता है कि एनडीटीवी ने अच्छा लिखा है, परंतु राहुल गांधी के फेक न्यूज को आगे बढ़ाने का ये एक अलग तरीका है। हमें इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद भी कहीं ये नहीं लगा कि देश को सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश की गई है, बल्कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश जरूर नजर आती है। यही नहीं, जब हमने वीडियो खंगालने की कोशिश की तो राहुल गांधी के ट्वीट या हर्षवर्धन के ट्वीट का तो कोई वीडियो नहीं मिला, लेकिन एनडीटीवी ने लगातार वही बात आगे बढ़ाई जो राहुल गांधी की असली मंशा थी, बस सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की कमी। तीसरी लहर की आशंका के बीच पिछले एक हफ्ते से सुस्त पड़ी टीकाकरण की रफ्तार, कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत। वैसे न्यूज 24 ने भी इस मुद्दे को उठाया। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में इसे लेकर 3 मिनट तक न्यूज दिखाई गई। पूरी खबर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर थी, लेकिन कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई कि देश में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, यानी सिर्फ राजनीति और भ्रम पैदा करने की कोशिश। राहुल ने ट्वीट किया था, ट्वीट में क्या कुछ कहा था वो आपको दिखाते हैं। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। हालांकि हमें इंडिया टीवी की भी क्लिपिंग मिली है, इसकी आलोचना करने का हमें कोई आधार नहीं मिला। ये वीडियो 9 मिनट 9 सेकंड का है। इसमें राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा इंडिया टीवी ने ये भी बताया कि देश में वैक्सीनेशन का क्या हाल है। कुछ क्लिपिंग देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस महीने वैक्सीन के 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को इस बात की जानकारी 15 दिन पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में राज्यों को 44,90,000 टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इंडिया टीवी ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिखाया, जो बाकी चैनलों ने भी दिखाया, लेकिन इंडिया टीवी ने पूरी खबर एक साथ दी। आज कुल मिलाकर देखें तो आप सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि सोशल मीडिया ही फेक न्यूज फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज न्यूज चैनल भी फेक न्यूज फैलाने का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। किसी भी अधकचरे बयान को हेडलाइन बनाकर न्यूज चैनल का लोगों को कंफ्यूज कर फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। ऐसे में आपकी जानकारी इस पर लगाम लगा सकती है।